आज मैं आपको बताऊंगा कि जॉब जो है वो किन लोगों को मिल जाती है और किन लोगों को नहीं मिलती, और जिसको मिल जाती है उसको आसानी से कैसे मिल जाती है, और जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली उनको क्यों नहीं मिल रही। ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। याद रखें, कोई भी चीज़ हो, चाहे जॉब हो या बिज़नेस हो या कुछ भी हो, वो होता है दिमाग से, ठीक है। और जब भी इंटरव्यू लिया जाता है या कोई भी कंपनी आपको हायर करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फिडेंस देखती है। कॉन्फिडेंस, हाज़िर जवाबी, यहाँ तक कि अब तालीम को भी इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती जिस तरह डिग्रियों को पहले ऑफिसेज़ में मिलती थी। आप ज़रा ख़ुद सोचें, अगर डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती तो इतने पढ़े लिखे लोग क्या आज बेरोज़गार घूम रहे होते? आप मुझे ख़ुद बताएं। तो डिग्री की वैल्यू है, बट क्या है कि जॉब्स नहीं है। तो जब जॉब्स ना हो तो फिर डिग्री की वैल्यू ही नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे ये यह है कि समझ लें कि गधा घोड़ा एक बराबर है। गधा घोड़ा कैसे एक बराबर है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक जगह पर जॉब कर रहा था, तो जिस कुर्सी पर बैठ के मैं काम करता था, मेरे बराबर वाली कुर्सी पे MBA किया हुआ लड़का बैठता था। कहाँ उसने मास्टर्स किया हुआ था, कहाँ मैं अंडर ग्रेजुएशन पढ़ रहा था उस वक्त, तो कैसे मतलब कि जस्टिफाई होता। इवन कि मैंने मुझे कंपनी में जब मैं इंटरव्यू दे के जब मैं पास आउट हो गया था, तो जिस बंदे ने मुझे अप्रूव किया था उसने मुझे ये कहा था कि ऊपर जाकर जब आप बैठोगे जॉब के लिए, तो वहाँ पर जाके ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मतलब कि मैं एजुकेशन अभी हासिल कर रहा हूँ या अभी अंडर प्रोसेस है, मेरा काम अभी हो रहा है, या मैं ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ, हुई नहीं है, तो ये बात आपने नहीं बतानी। इस बात से क्या जाहिर था कि जी लोगों को, कंपनीज को, बड़ी बड़ी, उनको सिर्फ अपनी मर्जी मयार के मुताबिक बंदा चाहिए होता है। मैंने मैट्रिक पास लोगों को वो जॉब करते हुए देखा है कि जो बेचारे PhD किया हुआ बंदा भी घूमता रहा, उसके लिए उसको वो जॉब ना मिले। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे होता है, आपको मिसाल देता हूँ कि दिमाग घूम जाएगा आपका। कई लोग जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, अबे क्या बात कर रहा है यार, कैसी बातें कर रहा है। मैं लोग सोचते हैं ना ऐसा, वो अपनी जहाँ जॉब कर रहे होते हैं ना उस जगह से कंपेयर करवाते हैं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है ये, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो इस तरह करके बोलते हैं वो। मैं आपको बताता हूँ, एक जगह पर मैं जॉब के लिए, वैकेंसी आई हुई थी, तो मैं वहाँ गया जॉब के लिए। अच्छा, मैं वहाँ गया और मैं BCom कर रहा था, कंप्लीट हुआ भी नहीं था, तो मैं वहाँ गया और वेटिंग रूम में बैठ गया, इंटरव्यू चल रहे थे वहाँ पे। मैं CV ड्रॉप करने गया था तो पता चला कि इंटरव्यू हो रहा है, तो आप बैठ के दे दें इंटरव्यू। ये मुझे वहाँ पर किसी चौकीदार, जो भी उनका था, PN था उनका, उसने मुझे कहा कि भाई इंटरव्यू चल रहे हैं, आप CV क्या दे रहे हो, बैठ जाओ, बैठ के वेट कर लो और इंटरव्यू दे दो। तो उसके कहने पर मैं बैठ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, और मैं इतने गंदे अंदाज में वहाँ गया हुआ था, थका आ रहा हुआ, जूते गंदे हो रहे, पसीना भरा हुआ, क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ CV घुसेड़ता हुआ आ रहा था वहाँ पे, तो दिन का आखिर ही हो चुका था। तो जब मैं वहाँ गया, अब जैसे ही मैं एंटर हुआ वेटिंग रूम में, तो वहाँ पे भाई MBA किए हुए लड़के बैठे हुए हैं यार, किसी ने पता नहीं ग्रेजुएशन की हुई है, एक मुझे साहब मिले उन्होंने डबल MBA किया हुआ। अबे मैंने उनसे बोला डबल MBA क्यों कर लिया आपने, डबल MBA, अगर MBA कर लिया था तो MPhil कर लेते या उससे ऊपर की कुछ चीज़ कर लेते, दो दो चार चार MBA करने का क्या फ़ायदा है यार, यहाँ एक MBA वाले को नहीं कुछ हो रहा, दो से क्या कौन सा कोई तीर मार लेगा। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। अब जब मैं वहाँ बैठा, मैंने लोगों के ड्रेसिंग स्टाइल देखे, लोगों के शूज़ देखे, उनके वे ऑफ टॉकिंग देखा, और लोगों ने इतनी इतनी मोटी मोटी फाइलें पकड़ी हुई हाथ में अपने। एक भाई मुझे याद है वहाँ पे MBA किया हुआ बंदा था, इतनी मोटी फाइल उसके हाथ में, इतनी मोटी। तो मैंने उससे पूछा, ये क्या है, ये इतना मोटा आपके हाथ में? कह रहा ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप समझ रहे हैं बात को, मतलब उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगे हुए थे एक एक, उसको अवार्ड मिले होंगे, सर्टिफिकेट्स मिले होंगे किसी कंपनी में। तो मैंने पूछा कितनी जगह काम किया इससे पहले आपने, तो कहने लगे यार मैंने दो ही कंपनियों में काम किया। आप देखें, दो कंपनियों में काम किया बंदे ने, इतनी मोटी फाइल उसकी, इसका मतलब है उसको सर्टिफिकेट मिले होंगे। अब मैंने इधर देखा उधर देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो मेरे मतलब मैं तो इनमें बिल्कुल भंगी लगूंगा, मतलब जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं मैं तो भंगी लगूंगा उनको, कि ना मेरी ग्रेजुएशन उस टाइम चल रही थी, कंप्लीट भी नहीं हुई थी, और कर भी कह रहा था BCom। तो मैंने देखा यार कि इन सब के बीच में तो मेरी तो कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है ना बैठने का, जब आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ के लोग बैठे हुए हैं। कोई वह CA किया हुआ बंदा आ गया यार वहाँ पे, CA किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA किया हुआ बंदा वहाँ आया हुआ। अब मैंने कहा यार ये तो फ़ायदा ही नहीं है बैठने का, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना मैं सोच ही रहा था, अभी लोगों को देख ही रहा था, गहरे फट गई थी मेरी। तो मैं सोचते सोचते ना मैंने बोला यार एक काम करते हैं, बिला वजह बेइज्जती कराने से बेहतर है,
यहाँ से ना निकल जाते हैं, मतलब उठते हैं निकलते हैं। मुझे लग भी रहा था मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। और यार मजे की बात, मुझे यही नहीं पता किस डेजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू है। आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे यही नहीं पता था कि ये इंटरव्यू किस डेजिग्नेशन का है तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा भाई मैनेजर के लिए ना हो रहा हूँ इंटरव्यू, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग बैठे हैं, मैं तो मजाक बन जाऊँगा अंदर जाके। तो मैंने कहा निकलते हैं यहाँ से हम, मैं तो नॉर्मल सी जॉब ढूंढ रहा था कि यार 20-25 की भी मिल जाए चलेगी। अरे उस वक्त ऐसा हाल था 18 की मिलती मैं करता वहाँ पे, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ पे 17,000 रुपये पे पढ़ा रहा था बच्चों को। तो मेरे लिए था, मैंने कहा चलो यार कोई मसला नहीं है। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं निकलने की सोच रहा हूँ, और मैंने क्या किया, वक्त निकाल के मौका देख के मैं खड़ा हुआ, पानी पिया पहले मैंने उनके डिस्पेंसर पे, और आगे पीछे देखा और रास्ता देखा साफ है, डिस्पेंसर पे मैंने ग्लास रखा, और मेरी जो फाइल क्या थी, एक पन्ना था पेपर, सीवी पड़ी हुई थी इतनी सी, कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं इतना बड़ा तो मैंने क्या किया, मैंने सीवी पकड़ के अपना आराम से ना मुंह नीचे करके ना बड़े आराम से निकलना, मैं गेट की तरफ जा रहा था, अचानक से बैल बजी, टिंग रंग, एहसन जफर, एहसन जफर। तो मैं समझ गया मेरा नाम आ गया। मतलब एक जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने मुझे आवाज़ दी, एहसन नाम है आपका। मैं डर गया, मैंने कहा जी आप काफ़ी देर से मुझसे पूछ रहे हैं कि कब मेरा नंबर कब आएगा, आपका नंबर आ गया, आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे उसने बोला कहाँ जा रहे हैं तो मैं डर गया, मैंने कहा नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ तो मैंने कहा यार अब जब नाम आ गया देख लेते हैं चल के। तो मैं वहाँ चला गया, और मेरे अंदर जाने से पहले एक लड़का निकला जो बहुत हाई, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी और बहुत हाई फाई उसकी ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन थी। तो वो बेचारा निकला तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपका क्या कुछ बना, मज़ा आया कुछ। कहने लगा यार मुझे नहीं लगता ये लोग रखेंगे, बिकॉज़ बहुत टफ़ टफ़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ना सख्त रवैया। तो पर वहाँ से मैं समझ गया था कि अंदर सलाम करूँगा और मैं सीधी सी बात है वापस आ जाऊँगा, बस थोड़ा एक्सपीरियंस कर लूँगा क्या है क्या नहीं, उनको बता भी दूँगा कि भाई मुझे पता नहीं था, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। तो जितना हो सका मैं वहाँ अंदर गया और उन्होंने मुझसे कहा कि बैठिए, मैं बैठ गया, कुछ अपने बारे में बताइए। तो मैंने कहा जी सर पूछिए आप। तो कहने लगे कि आप जो है वो आपकी एज क्या है। तो मैंने एज बताई उनको, फिर उन्होंने कहा कि आपने इससे पहले कहाँ जॉब कर रहे थे आप। तो मैंने बताया सर मैं वहाँ ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर वही बातें जो ट्रिक्स मैंने आपको पहले बताई थी इंटरव्यू में दी जाती उसी तरह से मैंने बिहेव किया। उनका बड़ा एक अजीब सा सवाल था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना बहुत छोटे लग रहे हैं, और छोटा तो था मैं भाई, एक बंदा अभी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुई वहाँ पहुँचा हुआ है, तो उसकी उम्र क्या होगी। मुझे कहने लगे यार आप बहुत छोटे लग रहे हैं, मतलब यू आर वेरी यंग। तो हमें समझ में नहीं आ रहा, आपके सवाल जवाब करने का तरीका सही है, अच्छा है, आप जवाब भी अच्छे दे रहे हैं, बट मसला ये आप बहुत छोटे यंग लग रहे हैं आप। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, मैंने उनसे कहा कि सर मैं पैदा भी तो पहली बार ही हुआ था। मैंने उनसे कहा सर इंसान पैदा भी तो पहली बार ही होता है मगर हो जाता है ना। तो मैंने उनको सिर्फ ये मैंने सिर्फ ये जुमला कहा, और आई स्वेयर ऑन गॉड ना मैंने बदतमीजी से कहा, ना मैंने गुस्से में कहा, ना मैंने जान छुड़ाने, मैंने बिल्कुल मासूमियत से कहा। मैंने कहा सर पैदा भी तो मैं पहली बार ही हुआ था ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम पहली बार करते हैं, और एज का क्या है, एज तो टाइम तो गुजर ही जाता है, सड़क पर बैठ के भी गुजर जाता है टाइम। तो उस बंदे, वो लोग दो बंदे थे, वो हंसने लग गए, वो इतना हंसे कि उन्होंने कहा कि यार ये मतलब ये बहुत फनी है, तो एक काम करो इसको क्लाइंट क्लाइंट इंटरव्यू में डाल दो। यानी कि उन्होंने मुझे पास आउट कर दिया और आगे लेवल में डाल दिया। अच्छा मुझे उस वक्त भी पता नहीं था, मैं बाहर चला गया, मैंने कहा शायद ये कुछ और कह रहे हैं कि क्लाइंट, मुझे मतलब नहीं पता था जो वो कह रहे थे, मुझे लगा ये बोलेंगे यार हम आपको बताएंगे ये वो। मैं बाहर आया, बाहर एक लड़की आई मेरे पास जो वहाँ काउंटर पर बैठी हुई थी, वो मेरे पास भागती हुई आई और हंसती भी आई ना, मुस्कुराती भी, कहने लगी आपका इंटरव्यू हुआ कैसा हुआ। जब वो हंसती भी आई और ऐसे ऐसे उसने बोला कि कैसा हुआ, तो मुझे समझ में आ गया था कि शायद इन्होंने अंदर से इसको कॉल की है कि ये बाहर जो आ रहे हैं इनसे बात कर लेना, इनको जो है वो क्लाइंट इंटरव्यू में डाल देना। तो मैंने उनसे बोला कि आप, आपका रिएक्शन देख के मुझे हैरत हो रही है। मैंने कहा इंटरव्यू तो सही हुआ मेरा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको क्लाइंट इंटरव्यू में डाल दिया जाए। तो मैंने कहा ये क्या होता है। कहने लगे इसका मतलब ये है कि जो आप इंटरव्यू अभी देकर आए हो वो क्लियर हो गया। कहने लगी वो इंटरव्यू क्लियर हो गया। और मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात कि मेरे लिए ना तो वो जॉब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ना तो मैं कोई बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में था, बस जॉब की नीड थी कि चलो अगर अच्छी जॉब मिल जाती है कोई ऐसी जगह पे जहाँ मैं सुकून से काम कर सकूँ तो ठीक है। लेकिन कोई इतना बड़ा मसला था नहीं कि जॉब के हवाले से
लेकिन सच बात ये भी है कि जॉब उस वक्त मिल भी नहीं रही थी, ये बिल्कुल सच बात है। उस टाइम जॉब ही नहीं थी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, उस टाइम थी नहीं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम, आई स्वेयर ऑन गॉड कि वो दिन और आज का दिन है, मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ इंसान की विल पावर से होता है। मतलब मैं बाहर निकला और लड़के मुझे देख रहे थे कि यार एक पन्ना लेकर गया था ये अंदर, हमारे सर्टिफिकेट और ये और वो, और मतलब उनको समझ में नहीं आ रही थी बात की और मुझे भी नहीं आ रही थी। तो मैं जो वो लड़की थी उससे मैंने 5 बार पूछा कि भाई मैं घर जाऊं या मैं यहाँ बैठूंगा थोड़ी देर, क्या है? उन्होंने कहा आप 2 मिनट रुक जाएं, ज़रा आप क्लियर कर चुके हैं इंटरव्यू, तो आपका सेकेंड इंटरव्यू होगा, क्लाइंट लेंगे वो। फिर मुझे समझ में आया, अच्छा मेरा एक और इंटरव्यू अभी होगा। तो फिर मैं बैठा रहा, तकरीबन 1 घंटे बाद वो लड़की आई, उसने कहा कि अभी क्लाइंट जो है वो कहीं मसरूफ़ हैं तो वो कल लेंगे आपका इंटरव्यू। तो मैंने कहा आप मुझे उनसे मिलवा तो दें, मैं उनसे बात कर लूँ। कहने लगी वो यहाँ होते ही नहीं है, आपका इंटरव्यू स्काइप पर लेंगे, लंदन से, लंदन से लेंगे। तो मैं फिर समझ गया था, फिर मैं घर आ गया। फिर मैं आपको बताता हूँ कि घर आने के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा इज़ दिस अहसन ज़फ़र? मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि आपका सेकंड जो इंटरव्यू था वो आज है, इस टाइम पर है, आप आ गए। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये कौन सा तरीका है भाई, 1 महीना हो गया उस बात को और आज ही कॉल करके आज ही इंटरव्यू है, इस तरह क्यों बता रहे हैं आप? बेसिकली वो ये देख रहे थे कि कहीं ये जॉब तो नहीं कर रहा, जानबूझ कर उन्होंने बीच में बुलाया कि अगर ये जॉब कर रहा होगा तो नहीं आ सकेगा, उनको फारिग बंदा चाहिए था, फारिग में था उस वक्त, तबीयत से फारिग था मैं उस वक्त। तो मैं वहाँ गया और मैंने सेकेंड इंटरव्यू दिया, और सेकेंड इंटरव्यू थोड़ा सा ख़तरनाक था क्योंकि वो क्लाइंट ले रहे थे, उनके भी क्लाइंट, उनके क्लाइंट ले रहे थे वो, और वो क्लाइंट का नाम मैं भी बता नहीं सकता बिकॉज़ जाहिर सी बात है कंपनी की कुछ चीज़ें होती हैं ऑफिशियल जो कॉन्फिडेंशियल कहलाती हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो रिवील नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो बहुत नाइस बंदे थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और उन्होंने भी ऐसे सवाल किए कि भाई तुम इससे पहले कौन सी जॉब कर रहे थे? मैंने कहा सर अकाउंट्स की जॉब कर रहा था। तो कहने लगे तुम्हें पता है ये जॉब जो करोगे ये किस चीज़ की होगी? मैंने कहा सर ये बेसिकली ये उसकी होगी सोशल सोशल डिसीजन मेकिंग की होगी, मतलब सोशल डीलिंग की होगी, मुझे ऐसा लगा। उन्होंने कहा गलत, उन्होंने कहा भाई ये सोशल डीलिंग तो होगी नहीं तुम्हारी। तो मैं खामोश हो गया, गलत जवाब दे दिया मैंने, मैं खामोश हुआ। मैंने कहा अच्छा सर आप मुझे बता दें, अच्छा सर आप मुझे बता दें, मुझे पता नहीं था। उन्होंने मुझे कहा देखो तुम एक इंटरव्यू में क्लियर हो गए और जॉब ये है तुम्हारी, होगी अगर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जॉब होगी कि तुम्हारे पास वेबसाइट का एक्सेस होगा, एक महदूद लिमिटेड एक्सेस होगा तुम्हारे पास, उसमें रहते हुए तुमने वेबसाइट को मॉडिफाई करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, डिसीजंस लेने होंगे कि क्या हो रहा है, छोटे छोटे डिसीजंस होंगे, तुम्हारे पास एड्स वगैरह आएंगे तो तुमने चेक करना होगा कि क्या ये लाइव हो सकते हैं या कोई फेक तो नहीं है इसमें। तो एड एड जो है उसको या तो रिजेक्ट करना था या फिर उसको एक्सेप्ट करना था। तो इस तरह की कोई जॉब थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसी जॉब होगी तुम्हारी, जिस पर मैंने उनसे कहा जी सर ठीक है मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा जब तुम अकाउंट छोड़ के चले गए तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से भी छोड़ दोगे तुम एक दिन? तो मैंने कहा छोड़ दो सर, मैं एक दिन दुनिया भी दूंगा, कौन कहीं पर सारी ज़िंदगी रुकता है, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है तो ठीक है वरना बाकी जैसे आप ठीक हैं। क्योंकि मैं तंग आ चुका था, 1 महीने बाद यार कोई किसी को बुलाता है क्या? उन्होंने मुझे बोला 1 मिनट दें सर आप बाहर जाएं। मैं बाहर गया, जो लड़का बैठा था उसको बोला रख लो इसको, उन्होंने बोला इसको रख लो, ये लड़का अच्छा है, ये मतलब बात तो सही कर रहा है ना ये। मैंने इससे बोला अगर तुम यहाँ पर भी यहाँ से भी छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? तो इसने बोला भाई छोड़नी तो दुनिया भी एक दिन। तो बात तो वही है ना, आप काम शुरू करो तो मतलब शुरू होती ख़त्म करने की बात कर दी, इतनी सी बात होती है। हमेशा कॉन्फिडेंस की बेस पे आपको जॉब मिलेगी। ये जो आप सोचते हैं ना कि यार मैं जाऊंगा पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है या मेरे अंदर कोई ऐसा, भाई आपको क्या पता आप में कौन सी क्वालिटी है, आप घर से निकलोगे तो पता चलेगा ना। जैसे एक मूवी में एक लड़का बोलता है कि मेरा एक दोस्त था वो गाड़ी कभी निकालता ही नहीं था घर से बाहर, खड़ी घर में रखता था। तो मैंने उससे पूछा एक दिन कि तुम क्यों नहीं निकालते? कहता है यार खूबसूरत गाड़ी है एक्सीडेंट ना हो जाए इसका। तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि भाई जब तक तू गाड़ी निकालेगा नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा कि एक्सीडेंट होना भी है या नहीं, समझ रहे? तो गाड़ी निकालनी पड़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।